नमस्कार दोस्तों, सुधा गीता कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम कोफ्ते की ग्रेवी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने ऑयल लिया है। इसमें हम प्याज डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और इसको हम ब्राउन होने देंगे। अब देखिए, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। देखिए, अब इसमें हम लहसुन, अदरक कटे हुए पीस, काजू और ये हरी मिर्च थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे इसको, और ये कटे हुए टमाटर हैं जो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ढक देंगे। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम फिर से ढक देंगे। अब देखिए, मसाला जो है घी छोड़ चुका है। अब इसको हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा मसाला है, अब हम इस मसाले को पीसेंगे। ये मसाला पीस चुका है, अब हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च और सूखा धनिया। और जो ये ग्रेवी पीसी है इसको हम डाल देंगे, थोड़ा हम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। देखिए, हमारी ग्रेवी तैयार है, कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने मैश किए आलू लिए हैं। ये मैश किए पनीर, ये काजू, किशमिश, हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, नमक, मिर्च और कॉर्नफ्लावर जो कि ग्लूटेन फ्री है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए, अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी बॉल्स की तैयारी करेंगे, छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। अब देखिए, हमारी बॉल तैयार है। इसको हम ग्लूटेन फ्री मैदे में रोल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम बॉल को फ्राई करेंगे। देखिए, हमारी बॉल्स बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, हम निकाल लेंगे। हम अब ग्रेवी रेडी है, अब इसमें बॉल डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये हमारे मलाई कोफ्ता तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।